बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सब जगह फैले हुए। अब हमने एक संकल्प लिया है, हमारा संकल्प ये है कि जिन जिन भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने 330 लाख करोड़ रुपए लूटकर विदेशों में रखा है, ये पूरा पैसा वापस लाना है और इसी से देश की गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये पैसा आ सकता है? हाँ आ सकता है। हमने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि ये पैसा तीन तरीके से वापस आ सकता है। एक तो ये है कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट इस 330 लाख करोड़ रुपए को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे तो ये सारा पैसा वापस आ सकता है। क्यों? जब पैसा राष्ट्र की संपत्ति होता है तो राष्ट्र में ही जमा हो सकता है, वो विदेशी बैंकों में जमा नहीं हो सकता। जब तक पैसा व्यक्तिगत संपत्ति होता है वो दुनिया में कहीं भी जमा होता है, जब वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाता है तो वो राष्ट्र में ही जमा हो सकता है। तो इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा दें तो ये पैसा आ जाएगा। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, भारत की संसद से एक कानून बनवा दें कि 330 लाख करोड़ रुपए जो विदेशों में चला गया वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, संसद कानून बना दे तो ये पैसा वापस आ सकता है। और तीसरा और आखिरी रास्ता है कि हम भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के साथ एक संधि करें, ट्रीटी करें, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ये पूरा पैसा हमें वापस दिलवा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का कंट्रोल दुनिया के सभी देशों पर है और हमारा ये पैसा 70 देशों की बैंकों में है। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ संधि कर ले, ट्रीटी अगेंस्ट करप्शन, और उस पर हम साइन करें और पार्लियामेंट से उसका एंडोर्समेंट करा दें, रेटिफिकेशन करा दें, तो संयुक्त राष्ट्र ये पूरा पैसा हमें दिलवा देगा। तो ये तीसरा रास्ता। तो रास्ते तो तीन हैं पैसा वापस लाने के, तो हमने ये कोशिश शुरू की है। पहली कोशिश ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया गया है एक साल पहले, अभी वो मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे को एक मशहूर वकील राम जेठमलानी लड़ रहे हैं। और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस दिया है कि जिन देशों की बैंकों में ये 330 लाख करोड़ है उनका पूरा अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। तो सरकार ने अभी 70 देशों में अपने अधिकारी भेजे हैं और पैसे का पता कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात अगर सामने आ गई तो सारा पैसा वापस लाने के लिए आसान हो जाए। तो ये कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी। अगर इसमें हमें सफलता ना मिले तो क्या हो सकता है? हो सकता है ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा 25 साल चले, 30 साल चले, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे कई मुकदमे 25-30 साल से पेंडिंग है, तो ये भी हो सकता है। तब क्या करेंगे? तब हमने दूसरा रास्ता चुना है कि संसद में हम एक प्रस्ताव करवाएंगे और कानून बनवाएंगे कि 330 लाख करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और ये पैसे को वापस लाएंगे। अब इस कानून को बनाने के लिए दो सांसद चाहिए जो प्रस्ताव संसद में पेश करेंगे और बाकी सब सांसद उस पर बहस करेंगे और वोट करेंगे। जब बहस होगी इस प्रस्ताव पर तब हम देखेंगे कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, बेईमान नंबर एक वही है और पैसे उसी के हैं, खाता उसी का, तो सारा देश देखेगा बेईमान सांसद कौन कौन है। और संसद में दो ही बात होने वाली है, या तो ये प्रस्ताव गिरेगा या ये प्रस्ताव पास होगा। अगर ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो कानून बन जाएगा, तो पैसे आ जाएंगे। और अगर बेईमान सांसद ज्यादा हुए तो ये प्रस्ताव गिर जाएगा और फिर हम एक नया काम करेंगे। अगर प्रस्ताव गिर गया
तो हमने तय कर लिया है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो सारे देश में से 400 नए ईमानदार सांसदों को जिताकर हम लाएंगे और फिर उनसे ये प्रस्ताव दोबारा पास कराएंगे। आप पूछेंगे क्या 400 ईमानदार सांसद जीत कर आएंगे? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? असंभव क्या है इसमें? जब बेईमान जीत सकते हैं तो ईमानदार क्यों नहीं जीतेंगे? चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, लंपट, बेईमान, भ्रष्टाचारी अगर जीत सकते हैं तो सज्जन, ईमानदार, चरित्रवान लोग क्यों नहीं जीतेंगे? बस इतना ही है कि सज्जनों की शक्ति जब तक संगठित नहीं होती तब तक दुष्ट लोग शासन करते हैं, और जिस दिन सज्जन इकट्ठे हो जाते हैं दुष्टों को भाग जाना पड़ता है। तो हम सारे देश में सज्जन शक्ति इकट्ठी करेंगे और जिता के लाएंगे। आप बोलोगे कुछ संभावना है? हाँ है। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। हमारे भारत में एक बड़े महान व्यक्ति पैदा हुए इसी बिहार की पुण्य भूमि से। उनका नाम था परम सम्माननीय जयप्रकाश नारायण। उन्होंने 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उनके आंदोलन को पूरी ताकत से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने दबाया था, और आंदोलन दबाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, मीसा लगाई थी, DIR लगाया था, और 1,00,000 आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया था। माननीय जयप्रकाश जी को 1.5 साल तक जेल में बंद रखा था, लेकिन फिर भी वो आंदोलन टूटा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं, वो आंदोलन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। एक दिन ऐसा आया कि 1977 में श्रीमती गांधी को इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव हुआ। तब जयप्रकाश जी पूरे देश में घूमे और उन्होंने लोगों से अपील की कि श्रीमती गांधी के अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे कुछ सांसद चाहिए। भारत के लोगों से उन्होंने अपील की तो भारत के लोगों ने 377 सांसद उनको जिता कर दिए। जयप्रकाश जी के पास ना पैसा था ना पार्टी थी, फिर भी इतने सांसद जीत कर आए। अब जयप्रकाश जी को भारत के लोग 377 सांसद जिताकर दे सकते हैं तो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को क्यों नहीं मिलेंगे? मुझे तो लगता है कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी तो सन्यासी हैं, उनको तो और ज्यादा मिलेंगे। और ये इसलिए मिलेंगे कि परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी अब अकेले सन्यासी नहीं है, इस अभियान में ऐसे 70 से ज्यादा संत और सन्यासी शामिल हो गए हैं। भारत स्वाभिमान एक बहुत बड़े संत हैं, परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, वो इस अभियान में शामिल हैं। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य, उनका आशीर्वाद है इस आंदोलन। एक बहुत बड़े संत हैं मुरारी बापू, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत हैं सुधांशु जी महाराज, वो इसमें शामिल है। एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति है डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार के अधिष्ठाता, वो इसमें शामिल है। ऐसे 70 बड़े बड़े संत साधु इसमें शामिल है। और एक दिन मैं सोच रहा था कि ये सब अगर निकल पड़ेंगे देश में तो 400 तो क्या 500 सांसद जीत के आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। सांसद जीतेंगे, कानून बनेगा, 330 लाख करोड़ हम वापस लेके आएंगे। और ये 330 लाख करोड़ की जो रकम है ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको भारत के एक एक गांव को दे दिया जाए तो हर गांव को 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर इस रकम को हर जिले को दे दिया जाए तो हर जिले को 50,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एक दिन मैंने इसका कैलकुलेशन किया कि 330 लाख करोड़ रुपए से सोना खरीद लिया जाए
तो भारत के हर परिवार को 100 किलो सोना दान में दिया जा सकता है, हर परिवार को 1 क्विंटल सोना दे दें, इतनी रकम है ये। और वहीं सारे सोने को भारत की सड़कों पर बिछा दिया जाए तो 6,38,365 गांव की सड़कों पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का परत बिछ जाएगा। माने भारत को सोने की चिड़िया तो बना ही लेंगे, फिर भूतकाल में सोने की चिड़िया, भविष्य में भी सोने की चिड़िया, एक बार ये पैसे आ जाएं तो। और ये पैसे आएंगे क्योंकि सन्यासियों की पूरी ताकत लगी है इस काम में और करोड़ों लोगों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है इस काम के लिए। आपको ये खुशी होगी जानकर कि नेता और अधिकारियों को छोड़कर पूरे देश का समर्थन मिल रहा है हमको। जो भ्रष्ट नेता है ना, वो ही थोड़ा हमसे दूर दूर है, वो कहते हैं कि ये काम आपका ठीक नहीं है, माने उनकी लूटी हुई रकम जाने वाली है इसलिए ठीक नहीं है। बाकी हर गरीब, हर अमीर, सारा देश कह रहा है कि ये काम करो और समर्थन हमें मिल रहा। 1.5 साल में हमने 50 लाख लोगों को मेंबर बना दिया इस काम के लिए। समर्थन कैसे मिल रहा है इसका एक अंदाजा बता रहा हूं। तो ये तो होगा काम, रकम तो आएगी। हमने फिर उसके लिए योजना बनाई है कि 330 लाख करोड़ का क्या करेंगे। तो इसके कई रास्ते हैं, जैसे एक कि इस रकम को लाएं और बैंक में जमा कर दें, फिक्स डिपॉजिट में, RBI में, तो इसका साल का ब्याज आएगा 33 लाख करोड़। मूलधन टच ना करें, छुए नहीं, मूलधन को जमा कर दें तो ब्याज ही 33 लाख करोड़ आएगा साल का। और ये इतना ब्याज है कि आज की सरकार की आमदनी से 3 गुना ज्यादा। और इसी ब्याज के पैसे से अगर विकास करें तो 2 साल में देश का पूरा विकास हो जाएगा, क्योंकि 2 साल में 66 लाख करोड़ मिल जाएंगे। और क्या क्या हो जाएगा उसमें, भारत के हर गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे, हर गांव में 100 इंडस्ट्री, 100 उद्योग हर गांव में, एक नहीं, दो नहीं, 100 उद्योग हर गांव में। इस रकम से हर गांव की सड़क पक्की हो जाएगी, हर गांव में पीने का पानी का व्यवस्था, हर गांव के खेत के पानी की व्यवस्था, हर गांव में हो आयुर्वेद का हॉस्पिटल, हर गांव में स्कूल, हर गांव में कॉलेज, हर गांव को 24 घंटे बिजली, गांव को वो सारी सुविधाएं दे सकते हैं जो दिल्ली को मिली हुई है या बंबई को मिली हुई है या मद्रास को मिली हुई। और रकम खर्च होगी मुश्किल से 60-65 लाख करोड़, इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। गांव का भी विकास और शहरों का भी विकास। भारत सरकार की तो योजना है एक कि सारे देश के गांव शहरों का एक साथ विकास करें, तो 50 लाख करोड़ चाहिए। और अपने पास तो 50 लाख करोड़ 1.5 साल में ही आ जाएगा, और वो भी मूलधन खर्च किए बिना, खाली ब्याज से। और आप सोचो 1.5 साल में विकास हो गया तो फिर दूसरे साल से, तीसरे साल से 33 लाख करोड़ का क्या करेंगे, वो तो आने ही वाली है रकम हर साल, ब्याज तो मिलेगा ही और विकास तो हो गया सारे देश का। 100-100 उद्योग हर गांव में कैसे लगने वाले हैं। भारत में 4 लाख गांव में कपास होती है, हर गांव में हम चरखा चलवाएंगे, सूत बनवाएंगे, खादी बनेगी और उससे सारी दुनिया को हम खादी देंगे, हम खादी बनाएंगे और दुनिया को देंगे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। इसी तरह भारत के 5 लाख गांव में गाय है, बैल है, भैंस है, तो गाय बैल भैंस का गोबर है, इस गोबर को इकट्ठा करो तो उसमें से गैस निकलती है और उस गैस को मीथेन कहते हैं, उसको सिलेंडर में भर लो तो गाड़ी चलती है उस गैस से, तो गाय बैल भैंस के गोबर से गाड़ियां चलेंगी, डीजल पेट्रोल का खर्चा बचेगा, और गाय बैल भैंस के गोबर से बिजली बनेगी गांव गांव, तो बिजली बना सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, घर का खाना बना सकते हैं। और इस काम में गांव गांव अगर गोबर गैस के प्लांट लगें और सिलेंडर भरने का काम हो, करोड़ों लोगों को इसमें कपास होती है। हर गांव में हम चरखा चलवाएंगे, सूत बनवाएंगे, खादी बनेगी और उससे
सारी दुनिया को हम खादी देंगे, हम खादी बनाएंगे और दुनिया को देंगे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। इसी तरह भारत के 5 लाख गांवों में गाय है, बैल है, भैंस है, तो गाय बैल भैंस का गोबर है, इस गोबर को इकट्ठा करो तो उसमें से गैस निकलती है और उस गैस को मीथेन कहते हैं, उसको सिलेंडर में भर लो तो गाड़ी चलती है उस गैस से, तो गाय बैल भैंस के गोबर से गाड़ियां चलेंगी, डीजल पेट्रोल का खर्चा बचेगा और गाय बैल भैंस के गोबर से बिजली बनेगी गांव गांव, तो बिजली बना सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं, घर का खाना बना सकते हैं। और इस काम में गांव गांव अगर गोबर गैस के प्लांट लगे और सिलेंडर भरने का काम हो, करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिले। फिर एक काम है कि भारत के 3.5 लाख गांव में गेहूं है, गेहूं गेहूं तो कोई खाता नहीं, आटा खाते हैं सब, तो सब गांव में गेहूं का आटा बनवाएंगे, चक्की चलवाएंगे, चक्की चला के आटा बनेगा, बाजार में बिकेगा 26 रुपए किलो, गेहूं बिकता है 10 रुपए किलो, आटा बिकेगा 26 रुपए किलो। ऐसे ही भारत के 3.5 लाख गांव में आम होता है, आम, आम का रस निकालें, मैंगो फ्रूटी और मादा के नाम पर 150-200 रुपए लीटर बिकता है, तो हम किसानों को कहेंगे कि इसको प्रोसेस करके बेचो आम को, और आम की गुठली निकलेगी, गुठली से तेल निकलता है, तेल 10,000 रुपए लीटर बिकता है आम की गुठली का तेल। एक कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, इसको हम चरितार्थ करने वाले हैं, आम का तो रस बिकेगा, गुठली का तेल बिकेगा। ऐसे ही भारत में करीब 1.5 लाख गांव में आलू होता है, 1.5-2 लाख गांव में टमाटर होता है, आलू का चिप्स गांव गांव बनेगा, चिप्स 480 रुपए किलो बिकता है, टमाटर की चटनी बनेगी वो 200 रुपए किलो बिकती है, टमाटर भले 10 रुपए किलो बिके, टमाटर सॉस 200 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो बिके, चिप्स 480 रुपए किलो है। तो ऐसे उद्योग गांव गांव लगाएंगे और इन उद्योगों में 64 करोड़ लोगों को काम मिलेगा, तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और जिनकी बेकारी खत्म होगी उनकी गरीबी खत्म होगी, गरीबी बेकारी खत्म हुई तो देश में थोड़ा सुविधा बढ़ जाएगी। बाद में महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करने का तरीका क्या है, सारे देश के टैक्स खत्म करो, महंगाई अपने आप खत्म। तो आप बोलेंगे टैक्स से जो आमदनी होती है उसका क्या होगा, आमदनी तो हर साल 33 लाख करोड़ की ब्याज से ही आ रही है, टैक्स की जरूरत क्या, टैक्स की आमदनी 8.5 लाख करोड़ की है, ब्याज की आमदनी 33 लाख करोड़ की है, टैक्स लगाने क्यों, खत्म करो। और ये वैसे भी सारे टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे भारत से पैसा लूट कर ले जाने के लिए, अब क्या जरूरत है, तो टैक्स खत्म कर दो। और टैक्स खत्म होंगे तो महंगाई कितनी कम होगी, मैं 2-3 उदाहरण दूं आपको। पेट्रोल अभी मिलता है 60 रुपए लीटर, टैक्स खत्म होने के बाद मिलेगा 16 रुपए लीटर। डीजल अभी है 40 रुपए लीटर, टैक्स खत्म होने के बाद मिलेगा 7.5 रुपए लीटर। केरोसिन अभी मिलता है 20 रुपए लीटर, टैक्स खत्म होने के बाद मिलेगा 3.5 से 4 रुपए लीटर। रसोई गैस सिलेंडर आता है 370 का, टैक्स खत्म होने के बाद आएगा 55 से 60 रुपए का। नमक आता है 8 रुपए किलो, टैक्स खत्म होने के बाद आएगा 50 पैसे किलो। आप घर बनाते हैं ना पूर्णिया में, 10 लाख का बनता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो घर बनेगा 3 लाख का। क्यों, सीमेंट सस्ता, लोहा सस्ता, ईंट सस्ती, घर सस्ता बनेगा, हर चीज सस्ती होगी। और एवरेज में बताऊं, हर चीज 70% सस्ती होगी। अगर कोई 100 रुपए की चीज आप ले रहे हो वो 30 रुपए की हो जाएगी सीधे, टैक्स खत्म होते। किराया आप 100 रुपए दे रहे हो बस का, वो 30 रुपए रह जाएगा, रेल का किराया तो 22 रुपए रह जाएगा 100 रुपए वाला। मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग जो अमेरिका यूरोप की यात्रा करते हैं, एक बार का किराया 80-90 हजार लगता है आने जाने का, टैक्स खत्म होते ही वो किराया 15 हजार रह जाएगा। और हमारी एक योजना है
कि ये जो मिलावट करने वाले हैं ना, नकली तेल बेचते हैं, नकली घी बेचते हैं, नकली दवाएं बनाते हैं, नकली दूध बनाते हैं, नकली मावा, इन सबको फांसी देंगे। 3-3 महीने में सबको लटकाएंगे फांसी। लोगों की जिंदगी से जो खिलवाड़ कर रहे हैं इनको छोड़ेंगे नहीं हम। जब तक कठोर दंड की व्यवस्था राज्य नहीं करता तब तक भ्रष्टाचारी रुकते नहीं, बलात्कारी रुकते नहीं, मिलावटखोर रुकते नहीं। हम करेंगे इस काम और तब भारत थोड़ा ठीक होगा। और अंत में तो 2-3 काम और करने हैं कि अंदर से ठीक करना है देश को, बाहर से भी ठीक करना। बाहर से क्या ठीक करना है? हमारे देश की इस समय 1,00,000 वर्ग मील जमीन विदेशियों के पास है, 72,000 वर्ग मील जमीन चीन के पास है, 28,000 वर्ग मील पाकिस्तान के पास है। ये दोनों हमें वापस लेनी है। हमारा कैलाश मानसरोवर वापस लेना है, 5 अधिकृत कश्मीर हमें वापस लेना है। हमारी योजना ये है कि हमें जो हर साल 33,00,000 करोड़ रुपए मिलेगा ब्याज का, 2 साल तो देश के लिए इस्तेमाल करेंगे, देश का विकास हो लिया, फिर बची हुई रकम को पड़ोसी देशों में बांटेंगे, कर्ज के रूप में, सहायता के रूप में, मदद के रूप में। हमारे पड़ोसी देशों को मदद करेंगे, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार, भूटान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया, इन सब देशों को मदद करेंगे, पाकिस्तान को नहीं करेंगे, चीन को भी नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। तो हम 70 देशों को मदद करेंगे, वो हमारे से। तब ये 70 देश हमारे दोस्त हो जाएंगे। इन 70 देशों की मदद से संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भारत के समर्थन में एक प्रस्ताव पास कराएंगे कि भारत की जितनी जमीन चीन के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे में है, वो सारी जमीन भारत को वापस दे दी जाए। वापस लेकर भारत के हजारों हजारों सैनिकों के बलिदान को, जो इस जमीन की रक्षा करने के लिए हुआ है, उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 1,00,000 वर्ग मील जमीन विदेशियों से अपने देश की वापस लाएंगे। और एक काम करना है कि पाकिस्तान में से जो आतंकवादी आते हैं भारत पर हमला करने के लिए, उन सब आतंकवादियों के अड्डे कहाँ कहाँ हैं ये भारत को मालूम है, और उन सभी अड्डों को ध्वस्त करना है। चाहे तो भारत की सेना जाएगी, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र की सेना जाके उनको ध्वस्त करेगी। इस समय आपको मालूम है संयुक्त राष्ट्र की सेना अफगानिस्तान के आतंकवादियों को मार रही है, वही सेना फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी मारेगी। अफगानिस्तान बहुत दूर नहीं है पाकिस्तान से, बस संयुक्त राष्ट्र का समर्थन चाहिए, वो जुटाएंगे हम। और एक बार पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त हुए तो फिर उसके बाद आतंकवाद की कमर टूटेगी और भारत भी थोड़ा सुरक्षित होगा। और एक काम करना है, अंग्रेजों ने हमारे देश में से 250 साल जो भी धन लूटा वो सारा धन ब्याज सहित वापस लाना है। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा, अंग्रेजों ने हमारे सोने के मंदिर लूटे। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोने के सिक्के ले गया था। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 84 अंग्रेज थे जो लूटे इस देश को। वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा, केनिंग ने लूटा, कर्जन ने लूटा, लिलिथगो ने लूटा, लॉरेंस ने लूटा, आखिरी लुटेरा था माउंटबेटन, सब लूट लूट के ले गए। ये सारा धन वापस लाना है। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजों ने जो कुछ यहां से लूटा उसे लंदन में सजा सजा के रखा है म्यूजियम्स में। मैं जाता हूं लंदन कई बार तो सिर्फ लिस्ट बनाता रहता हूं कि यहां क्या रखा है लूट का, वहां क्या रखा है लूट का, यहां क्या रखा है। और अब तक हमने जो लिस्ट बनाई है 450,000,000 करोड़ का माल हमारा लंदन में पड़ा है अंग्रेजों के पास, ये सब वापस लाना। और ये सब मालूम है सोने के रूप में है, हीरे जवाहरात सोना चांदी इस रूप में।
तो ये 450 लाख करोड़ सोने के रूप में ही लाना है, और ये लाके भारत में जमा जिस दिन हम कर लेंगे उसी दिन भारत में सोने का भंडार बढ़ जाएगा, और जब सोने का भंडार बढ़ता है तो रुपए की ताकत बढ़ेगी। आज हमारा एक डॉलर में 45 रुपए है, फिर एक डॉलर में 1 रुपया हो जाएगा, और रुपया डॉलर जब बराबर होगा तो भारत की जो निर्यात की आमदनी इस समय 8 लाख करोड़ रुपए की है, वो आमदनी एक ही साल में उछल कर 400 लाख करोड़ की पहुंच जाएगी। तो निर्यात से आमदनी हर साल होगी 400 लाख करोड़, विदेशों से लाएंगे 330 लाख करोड़, अंग्रेजों से लाएंगे 450 लाख करोड़। इतनी संपत्ति है इस देश में कि भारत को सोने की चिड़िया क्या, सोने का शेर बना दे। अब नहीं बनाएंगे सोने की चिड़िया, अब सोने का शेर ही बनाना, क्योंकि सोने की चिड़िया बनाई तो गलती हो गई हमसे। चिड़िया कमजोर होती है, उसको कोई भी लूट लेता, शेर को कोई लूट के दिखाए और शेर को कोई छू के दिखाए। अब भारत को सोने का शेर बनाना, और इसी काम के लिए यह भारत स्वाभिमान बना है, और परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह संकल्प लिया है, और ये संकल्प एक सन्यासी का संकल्प है, ये कोई भ्रष्ट नेता और अधिकारी का संकल्प नहीं है। सन्यासी जब संकल्प करते हैं तो मन वचन काया से संकल्प होता है, और परमात्मा भी वो संकल्प फिर पूरे करा देता है। भारत का तो इतिहास है कि इस देश में जब जब सन्यासियों ने कोई संकल्प लिया है वो सारे काम पूरे हुए। दो तीन उदाहरण दूं, एक सन्यासी थे परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने संकल्प ले लिया भारत की आजादी का 1857। तो ईश्वर ने क्या किया, वो संकल्प पूरा करने के लिए 732,780 क्रांतिकारियों को इस देश में पैदा किया। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे 732,780 क्रांतिकारी हो गए। लड़े अंग्रेजों से और देश को आजाद करा लिया। संकल्प सन्यासी का था, परमपिता परमात्मा ने कृपा की और सहयोग क्रांतिकारियों का मिला। ऐसे एक सन्यासी थे समर्थ गुरु रामदास, और उन्होंने एक संकल्प लिया था औरंगजेब नाम के एक अत्याचारी राजा को मिटाने का। आपको मालूम है औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए इस देश पर, 50 साल, 80,000 से ज्यादा उसने हिंदू मंदिर तोड़े, मूर्तियां खंडित की, हिंदुओं को मार मार के मुसलमान बनाया, हिंदुओं की चोटियां काटी, गर्दन काटी। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब को परास्त करने का संकल्प लिया था समर्थ गुरु रामदास ने, और ईश्वर ने वो संकल्प पूरा करने के लिए दो क्रांतिकारी पैदा किए। एक थे छत्रपति शिवाजी और दूसरे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर भारत में लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ी औरंगजेब से। दोनों ने मिलकर औरंगजेब को 1707 में खत्म कर दिया, भारत से औरंगजेब मिट गया, शासन मिट गया और पूरा खानदान उनका खत्म हो गया। आप सोचो 300 साल का मुगल शासन दो क्रांतिकारियों ने खत्म कर दिया, और आज उस मुगल का आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे क्या करें, हमें आपसे एक छोटा सहयोग चाहिए, इस पूरे अभियान को सफल करने के लिए 10 करोड़ नागरिकों की जरूरत है। हम कुल 120 करोड़ नागरिक हैं देश में, 10 करोड़ हमें चाहिए संगठन के लिए। आप एक एक व्यक्ति हमारे साथ आ जाओ, हमारे संगठन में शामिल हो जाओ, और जो भी हमारे संगठन में आए हमारी ताकत बढ़े और ये काम हम कर पाए, क्योंकि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में लोक शक्ति ही है जो कुछ करा पाती है, संगठन ही है जिससे कोई काम हो पाता है। संगठन में बड़ी ताकत होती है। भगवान श्री राम ने रावण को मारा था संगठन की ताकत पर, वरना श्री राम अकेले भी लड़ते। तो हम अक्सर कहते हैं ना भारत में सत्यमेव जयते, ये पूरी बात नहीं है। खाली सत्य अगर जीतता तो श्री राम के साथ सत्य था, उनको संगठन क्यों बनाना पड़ा था।
वानरों को इकट्ठा किया, किन्नरों को इकट्ठा किया, किस किस को इकट्ठा किया, तब रावण का वध हुआ। और श्री कृष्ण ने भी संगठन बनाया था कौरवों को हराने के लिए, परास्त करने के लिए। तो सत्य की जीत नहीं होती, सत्य के साथ जब शक्ति होती है तब जीत होती है। मैं इसको बदलना चाहता हूं, सत्यमेव जयते नहीं, सत्य प्लस शक्तिमेव जयते, सत्य धन शक्तिमेव जयते। सत्य तो है हमारे पास, शक्ति चाहिए, शक्ति जन शक्ति चाहिए प्रजातंत्र में, उसी का महत्व है। तो हम जन शक्ति इकट्ठी कर रहे हैं, आप भी एक एक बूंद सहयोग करो, एक एक आहुति अपनी दो, एक एक मेंबर बनो और 10-10 को मेंबर बनने के लिए प्रेरित करो, तो 4 साल में ये हो जाने वाला। और आप जब इसमें लगोगे तो आपको 4 साल बाद यह एहसास होगा कि आपने जीवन में कोई बड़ा सार्थक काम किया और अपने जीवन को सफल किया। हम सब मिले, इस संगठन में शामिल हों। शामिल होने के लिए क्या करना है, 11 रुपए की रसीद कटवा के आप इस संगठन में मेंबर हो सकते हैं। हमने इसके लिए एक रसीद बुक बनाई है, ये हमारे योग शिक्षकों के पास है, आपके सभी योग शिक्षक ये रसीद बुक रख रहे हैं। आप उनसे बोलो, वो आपको 11 रुपए लेकर रसीद देंगे, आप इसमें मेंबर बनते जाएंगे। और ये सारा पैसा जो हम इकट्ठा करेंगे, इसका एक एक पाई इस काम में इस्तेमाल करना है, जो हमारी योजना। हमने तय किया है कि बहुत बड़े बड़े करोड़पति पैसे वालों से दान ना लेकर भारत के गरीबों से 11-11 रुपए लिया जाए, क्योंकि यही अच्छा है। जो गरीबों का पैसा है वो मेहनत का है, ईमानदारी का है, और वो पैसा हमें भी मेहनती बनाएगा, हमें भी ईमानदार बनाएगा। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो चारा ना लेते थे हर भारतवासी, 54 मेंबरशिप चलाते थे गांधी जी, जबकि गांधी जी के पास बड़े बड़े करोड़पतियों की साइन की हुई चेकबुक पड़ी रहती थी, लेकिन गांधी जी चारा ना ले लेके आजादी की लड़ाई लड़ते थे। गांधी जी का कहना था कि ये जो चारा ना दे रहा है ये ईमानदारी का है और मुझे ताकत इसी से मिलेगी। तो गांधी जी के जमाने का जो चारा ना था वो आज 11 रुपए के बराबर है। तो हमने 11-11 रुपए लेना शुरू किया है। आप 11 रुपए दें, मेंबर बने, 10-10 लोगों को और कहें वो भी बने, वो 10-10 को कहें तो और बने, 4 साल में 10 करोड़ हो जाएंगे और हम ये काम कर पाएंगे। परम पूजनीय स्वामी जी इसी के लिए सारे देश में निकले हुए हैं, वो हर दिन 15,000 से 20,000 लोगों को मेंबर बना रहे हैं। हम सब भारत में 2.5 लाख योग शिक्षक गांव-गांव घूम रहे हैं, हम सब भी मेंबर बनाने में लगे हुए हैं। हमारी ताकत आप सब लोगों के सहयोग से बढ़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सब मेंबर बने, दूसरों को बनने के लिए प्रेरित करें, और जो बातें मैंने कही आयुर्वेद की, योग प्राणायाम की, उनका जीवन में उपयोग करें और खुद को स्वस्थ बनाएं और दूसरों को भी बताएं तो वो भी स्वस्थ बने। यही भावना के साथ आपका धन्यवाद, बहुत आभार।